मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को एक प्रेम भरी बधाई मैं देना चाहता हूँ। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज के दिन भी इस सुबह के वक्त में परमेश्वर के वचन को आपकी ओर भेजते हुए मुझे बहुत ही आनंद होता है। आप सोच सकते हैं कि ये तो मनुष्य की आवाज है, पर सच बात यह है कि ये परमेश्वर की आवाज है। उसके वचन जो है एक ध्वनि के रूप में आपके कानों में गूंज रहा है और वह वचन कभी व्यर्थ होकर नहीं लौटेगा। जो जो उसका वचन करना चाहता है उसे पूरा कर कर ही वापस आएगा। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ सफर कर रहे हैं, आज के दिन भी उसके साथ यात्रा करने में जो पाठ में सिखाना है हम सीखने वाले हैं। पढ़ते हैं पहले शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय और 21वां वचन। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। परमेश्वर के लोगों, यहां पर घटना क्या है? शाऊल के अंदर जो अशुद्ध आत्मा आ गई, मेरे परमेश्वर ने शाऊल को नीचे गिरा दिया, उसके मन से शाऊल को हटा देता है। फिर भी वह राजमहल में राजा के रूप में बैठा है। शाऊल के स्थान में परमेश्वर दाऊद को अभिषेक कर दिया है। दाऊद के ऊपर जो अभिषेक उंडेला गया था वह राजा का अभिषेक आप जानते हैं। पर यह वचन क्या बताता है? शाऊल उस सिंहासन पर बैठा था और दाऊद उसके सामने उपस्थित रहने लगा, उस राजा को संभालने लगा, एक हथियार ढोने वाला, एक सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेवारी में वह वहां खड़ा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, भीतर जो अभिषेक है वह है राजा का अभिषेक, पर उस अभिषेक के बाद परमेश्वर ने सबसे पहला काम जो दिया था वह राजा के पास खड़े होकर उसको संभालना। यह किसका चिन्ह है? सुरक्षित सेवकाई, प्रार्थना की सेवकाई है। उसका एक अर्थ ऐसा बता सकता हूं, अगर आपने अभिषेक पाया है, और मैं आपको स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, अगर आपने अभिषेक नहीं पाया है, हे परमेश्वर मुझे दे दीजिए, भरोसे के साथ मांगिए, निश्चय रूप से परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। अभिषेक पाने के बाद तुरंत यह मत कहिए कि मैंने अभिषेक पा लिया है। आत्मा में भर भर कर जब प्रार्थना करने लगोगे, पहला काम जो आपको करना है वह प्रार्थना का सेवकाई, देशों के लिए, शहरों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके पासवान के लिए, हमारे जैसे सेवकों के लिए, ठीक है? प्रार्थना कीजिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, जो जो आपसे परिचित हैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर से मांगिए प्रार्थना की आत्मा, विनती की आत्मा। समय जब जब आपको मिलता है, 5 मिनट 10 मिनट अकेले में जाकर, हे परमेश्वर मेरे ऊपर विनती की आत्मा उंडेलिए, प्रार्थना की आत्मा उंडेलिए, ऐसे प्रार्थना कर करके उस प्रार्थना की आत्मा से जब परमेश्वर आपको भर देगा, परमेश्वर के लोगों, आप निश्चय रूप से अगले स्थान में परमेश्वर आपको ले जाएगा। दाऊद की प्राथमिक सुरक्षा करने वाली सेवकाई थी, पर बाद में पूरे समस्त इसराइल का राजा बन गया। एक बहुत बड़ी पदोन्नति आपके लिए है, भूल मत जाइए। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आज के दिन के वचन को हमने सुना, मन में हमने रख लिया है, हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। हे परमेश्वर, उस अभिषेक को और भटकाने के लिए, तेरी आवाज को सुन सुनकर प्रार्थना करने के लिए हमारे प्यारे परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। मारा के पानी को मधुर बना दिया जिसने, तेरे बच्चों के घरों में सभी कड़वाहट, कड़वे घटनाओं को अगर हो तो उसे मधुर बना दे। आज का दिन जय का दिन हो। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर को धन्यवाद और उसी की महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने आपको आनंद से भर दिया है। यह संदेश जिन जिन लोगों को आप जानते हो उनको जरूर शेयर करें, ठीक है? फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा।
और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299549663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।